हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका लास्ट होप 3 में। तो गाइस, पिछले पार्ट में हम टेंपल से बाहर निकल चुके थे और आ चुके थे जंगल में, जिसमें हमारी काफ़ी जॉम्बीज से लड़ाई हुई। तो भाई, पिछले पार्ट में हमें एक भैंसा मिला जिसके सर पे टंगारी लगी हुई थी। तो चलिए, फिलहाल मुलाकात हमें उससे करनी है। ये रहा वो भैंसा। ओके, तो चलिए निपटाते हैं इसे। कुट्टी मार दिया सर के ऊपर से, कुट्टी मार दिया, कमाल की बात है। ऐसा है लेकिन ताकत इसके अंदर चला गया। तो गाइस, यहाँ आपको अगर ये लेवल क्लियर करना है तो हर उसका इस्तेमाल करिए। और गया भैंसा धरती चाटते हुए जमीन पर। इस भैंसे को मारते ही डार्क वाटर की मुलाकात हो गई। तो चलिए देखते हैं अब डार्क वाटर यहाँ पे क्या नया प्रपंच या क्या नया रायता फैलाया हुआ है। ओके, तो चलते हैं बेस के अंदर। फटाफट पहले इनकी टुंगी लगा रहे हैं। यहाँ पे बेस है तो ये पक्का है, कई शहर होंगे यहाँ पर। छुप छुप के टको पीछे से, ड्रम के पीछे से, किनारे से, इधर से उधर से निकल रहे हैं, लेकिन बैंड तो सबकी बजा रही है फिलहाल। कंटेनर में इन्होंने जॉम्बी शुरू कर रखे हुए हैं। अगर हमसे न हो पाए तो जॉम्बीज कितना सफाया कर दें। ये लो भाई, कहानी यहां उल्टी पड़ गई। सोल्जर्स भाग रहे हैं, जॉम्बीज ने कर दिया अटैक। तो फिलहाल अब हमें यहां संभलना है, और अब यहाँ पे डार्क वाटर के सोल्जर्स की तो नहीं, फिलहाल हम जॉम्बीज से बच जाए यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, क्लियर करते हैं और पता करते हैं कि डार्क वाटर के मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या है। ये वाला बहुत मुझे चौपट टाइप का लगता है, मतलब थोड़ी आवाज है उसके बावजूद भी उसकी बॉडी आगे बढ़ती है उसी टाइप की तरह निकली है। ये तो घर सारे आगे जोर। कुकर भी आ गया, कुकर भी आ गया। तरफ नहीं होना हमारा कर रखा था, तभी तो यहाँ पे डार्क वाटर की बैंड लगी अच्छी तरह से। ओके, तो यहाँ हमें कुछ पता चल सकता है। चलिए देखते हैं। ये क्या नया बवासीर है भाई।
रेजोनेंस डिवाइस है। ओके, ये डिवाइस क्रीचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये वही क्रीचर तो नहीं जो टेंपल में भाई गया था और अचानक गायब हो गया बड़े से उस जानवर को जगाने के बाद। ओके, तो फिलहाल इस रेजोनेंस डिवाइस को हमें लेना है इनसे। फिलहाल यहाँ ट्रैप बिछे हुए हैं। तो मुझे लगता है डार्क वाटर ये करने वाला है कि डिवाइस को ऑन करेगा और टीचर जब आएगा तो डार्क वाटर उसको पकड़ के समझ ही रहेगा अपने इस्तेमाल में लाएगा। तो फिलहाल चलते हैं डिवाइस को कैप्चर करने इससे पहले कि डार्क वाटर उसका गलत इस्तेमाल करें। यहाँ पर है वो डिवाइस, चलिए फटाफट वो डिवाइस इनसे छीन लेते हैं गाइस। यहाँ ट्रैप दिखा रखा है इन्होंने, ट्रैप से हमें बचना है क्योंकि वो डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे हाथ भी लग जाती है तो एक बार हम भी क्रीचर को उसे कैप्चर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आओ, सुरक्षित करो, जल्दी जल्दी आओ यार। इस गन का रिलोडिंग टाइम तो इतना मतलब बुरा है कि मैं क्या ओपरी तेरी इसी से उड़ाऊंगा, तू देख रही हो। अरे तू मुझे कितनी गोलियां मार ले वो अलग की बात है। मजाक चला ना जाऊँ, चला गया भाई। ये रहा वो भाई जिसके पास वो डिवाइस है। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई अपने प्लान को हम तुम्हें खराब नहीं करने देंगे, वाट लगा दूंगा मैं तुम्हारी। तो चलिए भाई, ये मशीने वशीने लेकर आ रहा है, उड़न तस्तरी इसके अगल बगल उड़ रही है यार, तो चलिए इससे निपटते हैं। ओ, डार्क वाटर मुझे किसी भी कीमत पर मारना चाहता है भाई, का नाके कम के कर रखा है मुझे। ओके, आराम से आराम से मर मत दियो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तेरी तो आई बम मारा है जबरदस्त जिससे हम गिर गए गड्ढे में, तो वो तो बच गया नहीं, उसकी भी वाट लगा देते। तो चलिए देखते हैं कहां पे आखिर हम गिरे हैं यार। हमारे टीम को भी हमारा पता नहीं चल पा रहा भाई, जाहिर सी बात है गुफा में गिर रहे हैं हम, तो यहाँ पे तो नेटवर्क वैसे ही काम नहीं कर रहा होंगे। ये ग्रीन ग्रीन वाले नए आइटम आ गए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं ये, हल क्या है। तो फिलहाल बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, कुछ भी खतरनाक टाइप का यहाँ हो सकता है, लेकिन जो भी है भाई के गुफा काफी छोटी है तकरी टाइप। तो यहाँ का मामला फिनिश, तो
देखते हैं हम बाहर कैसे निकलते हैं। अरे क्या बात है भाई, तो एजेंट लूसी आ रही है हमें लेने। तो चलिए फिलहाल बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। काफी टाइम बाद लूसी से मुलाकात हो रही होगी। तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो धूप नहीं मिला है, एकदम काई काई हो गए हैं सारे के सारे। तो धूप लग जाती तो ये काई जो सारी आती तो ये हरे हरे सफेद सफेद दिखते हैं। भाई जितने मर रहे हैं इनको जाके धूप में सुखा दिया जाए। गेम बनाने वालों से हमारा रिक्वेस्ट है, ये लो ये भी काल का ही हो चुका है भाई। अच्छा खासा बोरा दिख रहा था पिछले पार्ट में। ओके तो यहाँ गाइस हमारी टीम आ चुकी है एजेंट लूसी। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या होता है और लूसी एजेंट भी हमारे साथ आगे के मिशन में शामिल होती है कि नहीं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना प्यार भाई से बनाए रखिए गाइस। बाय बाय गाइस।